गांव में गंदगी फैलाना ये हमारी परंपरा कब से बन गई? तो हम सब क्या करेंगे? शौचालय जाएंगे। जिनके भी घर में शौचालय नहीं है वहाँ ये दुल्हन बनकर नहीं जाएंगी। हम तो यह सोचकर आरंभ कर रहे हैं कि यह हवन घर की शांति के लिए किया जा रहा है। नहीं पंडित जी, ये मेरे मन की शांति के लिए हो रहा है। जी हाँ, आपने वो वीरा गीत सुना है ना, लंबी जुदाई। हाँ, तो हमारे परिवार का ये वीरा गीत है लंबी सगाई, क्योंकि स्नेहा और अर्जुन की सगाई हुए तो बहुत दिन हो गए लेकिन शादी अब तक नहीं हुई, इसलिए इस गाने को हम इस तरह गाते हैं। कितना ये प्यारा प्यार रबा, बड़ी लंबी सगाई लंबी सगाई। तो आइए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विवाह जल्द से जल्द हो जाए। नहीं पंडित जी, इसलिए भी ये हवन नहीं हो रहा। तभी हवन किस लिए? पंडित जी आप तो जानते हैं मेरी बेटी स्नेहा गांव की सेवा में क्या कुछ नहीं कर रही। सभी जानते हैं स्नेहा कितने पुण्य का काम कर रही है, मगर भोली ये नहीं जानती कि कैसे कैसे से उसने दुश्मनी मोल ली है। ये हवन इसीलिए हो रहा है कि भगवान उसके काम में हमेशा उसकी रक्षा करे। आइए पूजा शुरू करते हैं। अच्छा वो धूप नहीं आया है। हाँ जी, प्लीज नमस्कार। बेटा तू मान ना मान, इन बातों में बड़ी शक्ति होती है। बैठ जा। पंडित जी शुरू कीजिए। शुरू करते हैं, खुश लीजिए। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जंबू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम ओम गंगणपतये नमः। अगणेशाण्डिल्य गोत्रमेषध्वजमम समुखो भव अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि उमग्निदेवताभ्यो नमो नमः नमस्करोमि। आशिमा कहो। बस यूं ही इतनी खुशी हुई कि कॉल करना पड़ा। किस बात की? तुम मुंबई आ रहे हो, ये क्या कम खुशी की बात है? अब मीटिंग फिक्स हो गई है। अरे हाँ, पेपर्स वगैरह तो रेडी होंगे ना? और मैं भी रेडी हूँ अर्जुन। तुम पे तो मुझे 100% भरोसा है। और मैं कितना भरोसा कर सकती हूँ तुम पर? क्या क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कुछ नहीं, तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। बातों बातों में कहीं मेरी फ्लाइट ना छूट जाए, एयरपोर्ट जा रहा हूँ। एक मिनट आशिमा, एक मिनट आशिमा, मैं तुमको होल्ड पे रख रहा हूँ, स्नेहा का कॉल आ रहा है, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। तुम काटना मत। हाँ स्नेहा। कंग्रेचुलेशंस वकील साहब, डेल नहीं मिली गुंडों को। थैंक यू, इसीलिए फोन किया था। अब तुम्हें कॉल करने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत है क्या? तुम्हारे लिए नहीं। हेलो मैडम, मुझसे ज्यादा तो आप बिजी रहती हैं। इसीलिए तो कोशिश करती हूँ कि जितने पल हो सके निकाल लूँ अपने काम से तुम्हारे साथ बिताने के लिए। अब फोन पर ही सही। स्नेहा बस बोलती रहो ऐसी बातें, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लाइट छूटे तो छूटे। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा मत करिएगा, फ्लाइट कैंसिलेशन का रिफंड आसानी से मिलता नहीं आजकल।
अच्छा, मुंबई पहुंचते ही अपना फोन ऑन करिएगा और सबसे पहले मुझे कॉल करिएगा। वैसे लगता है कि प्रतापपुर कुछ ज्यादा ही भाग गया है अब। जब मैं वापस आऊंगा ना तो वक्त ही वक्त होगा हमारे पास एक दूसरे के। प्रतापपुर और आप दोनों ही भाग गए। मैं इंतजार करूँ। सॉरी अशु। हेलो हेलो, मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई नहीं, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, बहुत अकेला। आप घर चलिए, आपने शराब पी। इस नेहा को भूलना चाहता हूँ, आग लगा देना चाहता हूँ उसकी यादों को। चलिए मैं आपको घर छोड़। अशीमा, ये जानते हुए कि मैं स्नेहा से बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो? क्यों? मुझे नहीं पता। मुझे इस बात की परवाह भी नहीं। ज़्यादा ही। नहीं नहीं, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं, मैं आपके दर्द को महसूस कर रही हूं। अशीमा, एक तुम ही हो जिससे मैं खुल के बातें कर सकता हूं, बाकी सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। आपको स्नेहा को भूलना होगा, उसकी यादों को थकना ना होगा। मैं हूं ना आपके साथ, मैं एक बार फिर से हाथ अपना आगे बढ़ा रही हूं। आप जब तक नए प्यार को गले नहीं लगाएंगे, आपको पुरानी यादें तबाह कर देंगी। ना मत कहिएगा। चलिए जश्न मनाते।
क्या हो रहा है? हैं? क्या कर दूँ मैं यहाँ पे? सर, कड़िया के लिए नक्शा बना रहे हैं, यहाँ टॉयलेट बनेगा। अरे पगला गया हो का? ये हमारी जमीन है, क्या हटा है सब? क्या हटा? हटा है सब? बात करता है, टॉयलेट बनाएगा सर। उनकी पंचायत है कि ये जमीन है इनकी, हमारा है यकीन कि ये जमीन पंचायत की। मनोज साहब ये क्या मजाक है? शांत दिगंबर सिंह जी, शांत। रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेजों के आधार पर सरकारी अधिकारियों ने पाया है कि ये जमीन पंचायत की है। तसल्ली कर लीजिए। क्या तसल्ली कर ले? अरे सालों से पूरा गांव जानता है कि जमीन हमरा है, दिगंबर सिंह का, समझा कि नहीं? बिल्कुल जानता होगा, लेकिन जमीन पर कब्जा करना एक बात है और जमीन का मालिक होना दूसरी बात है। और आप मालिक नहीं, जैसे कि आपका ये दफ्तर। हाँ, है हमारा ये दफ्तर, तो क्या बुराई है इसमें, बोलिए। कागजात इसके फर्जी हैं, टॉयलेट की गर्जी है, बाकी अदालत की मर्जी है। वो चौधरी का लौंडा हर मौके पर तुझे ताका करे, कुछ बात है कारी? क्या चाची, आप भी ना। अरे होगी भी तो बताएगी का, ये आज के जमाने की चोरी है, हमारे जमाने के चोरों से भी चार कदम आगे। तेरी उम्र में तो मेरा एक बच्चा भी हो चुका ना। होगा, लेकिन मुझे पढ़ना है। लो सुन लो बात, पढ़ कर क्या करेगी? हाँ। रसोई में का भी है पास, कान पढ़, लुगाई तो लुगाई हो। अरे पन्ना, गौरी तुम लोग सब यहाँ? हम आप सबके लिए लड्डू लेकर आए, लीजिए। हाँ हाँ, पर पहले जो खाया है वो तो खाली हो ले। शुरुआत करेंगे। अरे चाची, अब ये जगह पहली वाली नहीं रही, यहाँ पे तो मंडप लग रहा है, 10 जोड़ियों की शादी है यहाँ पर, आप मंडप के पीछे शौच करेंगे क्या? अरे खुले में शौच करने का यही तो फायदा है कि बदबू तुरंत गायब हो जाती है। मैं तो बस आपसे विनती ही कर सकती हूँ, आप मुझसे बड़ी हैं। तो रास्ते से हट, बड़ों को अपना काम करने दे। चाची अभी अभी तो गांव बीमारी से उठा है, दोबारा उसी रास्ते पर जाना ठीक नहीं होगा। छुटकी, अब तू सिखाएगी हमें, हमें क्या करना है? ये अपनी पढ़ी लिखी भपकियां शहर तक ही रहने दे। हम गांव वालों को अच्छी तरह से पता है कि जो है हमारी सदियों से परंपरा जो चली आ रही है ना, उसे कैसे निभाया जाए, समझी? बढ़िया ही समझाने वाली हमें, बात कर दिए। चलो चाची, मैं आपसे एक बात पूछूं, गांव में गंदगी फैलाना ये हमारी परंपरा कब से बन गई? पन्ना बिल्कुल ठीक कह रही है, ये तो हमने आंखों देखी है, वो तालाब का पानी पीकर हमने मुन्ना को मियादी हो गया था। हाँ, और वहाँ ने बिस्तर पकड़ लिया। अब ये तो सभी जानते हैं ना कि तालाब के आसपास कौन काका करता है। अच्छा अच्छा, तू चुप कर, और तू कल की छोरी, तू हमें समझाएगी, हमें बदलेगी तू? चलो चाची, बदलाव की भी एक खूबी होती है, आप चाहे उसे अपनाओ या नकारो, लेकिन बदलाव तो होकर ही रहता है। अरे रामकली, तू हमारी बुआ जी को अपनी बड़ी बहन मानती है ना? हाँ सो तो है। अगर बदलाव नहीं आता तो बाल विधवा होने के बावजूद उनकी शादी नहीं होती ना? हाँ तुम्हारी बात मान लो, पर फिर भी जो करने आए वो तो करना ही होगा ना, कहाँ करेंगे? चलो चलो चलो। अरे चाची, उसी के लिए तो हम सब यहाँ आए हैं, हम सब आपको अपने साथ लेकर जाएंगे और गांव के सारे शौचालय दिखाएंगे जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं 2 लड्डू लूंगी,
चलो चलो तुम सब भी ले लो। शौचालय तुम घर में बनाओ, शौच को घर से पर ना जाओ। शौचालय तुम घर में बनाओ, शौच को घर से पर ना जाओ। मक्खी बैठे खुले शौच पर, मक्खी बैठे खुले शौच पर, फिर वो बैठे उसी बोझ पर, फिर वो बैठे उसी बोझ पर, को हम सब खाते हैं और मुफ्त बीमारी पाते हैं। जिसको हम सब खाते हैं और मुफ्त बीमारी पाते हैं। शौचालय तुम घर में बनाओ, शौच को घर से पर न जाओ। शौचालय तुम घर में बनाओ, शौच को घर से पर न जाओ। बात हमारी मान भी जाओ, शौचालय तुम घर में बनाओ, शौचालय तुम घर में बनाओ, शौच। अरे भाई देख रहे हो फिर भी पूछ रहे हो, भजन गा रहे हैं हम लोग। लेकिन ये तो हमारे शौच करने की जगह है। अरे भैया यहाँ भजन गाओगे तो आपकी आस्था भंग हो जाएगी। हमारी श्रद्धा बिल्कुल सच्ची है, भंग तो आप लोग कर रहे हो। देखिए ऐसा करेंगे तो पूरा का पूरा गांव बुरा मान जाएगा। ऐसी जगह पर शौच करना चाहते हो, ऐसा करते तुम्हें बुरा नहीं लगता? अरे भैया हम लोग तो सब यहीं आते हैं हर रोज, किसकी इजाजत से? क्या बिना इजाजत हम आपके घरों में घुस आते हैं? क्या मतलब? यह जमीन चौधरी साहब की है। तो आज से उन्होंने हमें आदेश दिया है कि इस जमीन पर वही होगा जो गांव के हित में हो। यहाँ रोज योग व्यायाम होगा, बच्चे खेलेंगे दिन में और शाम को भजन कीर्तन होगा, यह गांव की विकास की बातें होंगी। तो हम सब क्या करेंगे? शौचालय जाएंगे। जब गांव में प्रबंध है तो यहाँ क्यों गंदा किया जाए? फिर बैठ गए यहीं पे। अरे भैया हम उठने के लिए बैठे हैं और हम भी आपकी टोली में शामिल होना चाहते हैं, क्यों भाइयों? चलो आइए 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 आइए। शौचालय तुम घर में बनाओ, शौच को घर से पर ना जाओ। शौचालय तुम घर में बनाओ, शौच को घर से पर ना जाओ। देख रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। तो नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी आपकी सेवा में। और नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी और आपकी सेवा में। बुआ जी शुरू करें। बिल्कुल मुन्ना। तो ग्राम वासियों, इन 10 नवविवाहित जोड़ियों ने आज हमारे गांव का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मुन्ना ने बोला तालियां, तो तालियां शुरू कर दी। गर्व से कैसे ऊंचा कराए ये तो जान लीजिए, पूछ लीजिए। पूछे कैसे? बुआ जी बताइए कैसे। हम बताते हैं, इन लोगों ने ये प्रण किया है कि जिनके भी घर में शौचालय नहीं है वहाँ ये दुल्हन बनकर नहीं जाएंगी। और सुनो, किसी भी वजह से अगर तुम इन शादी में शामिल नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, इनके प्रण को आप सच्चाई में बदल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे गांव की शोभा है। प्रण को बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं ये नहीं सोचना, बतालियां शुरू कर दी फिर से। अरे पूछिए तो सही, कैसे? ऐसे। ये जो आपके सामने पिटारा रखा है ना, इसमें आप अपनी हैसियत के हिसाब से शगुन के तौर पर पैसे डाल सकते हैं, और भैया अगर पैसे ना हो तो शुभ इच्छाएं लिख कर डाल सकते हैं, और उस पैसे से इस गांव में शौचालय बनवाए जाएंगे। अगर शौचालय ना बने, रकम पूरी ना पड़ी, डॉक्टर स्नेहा
अगर पैसा कम पड़ गया इस कार्य के लिए तो ये जो दंपत्ति हैं, ये अपनी तरफ से रकम डालकर शौचालय बनवाने का काम पूरा करवा देंगे। क्यों भाइयों, करवाओगे ना? हाँ, अगर हम चाहें तो कम खर्चे में भी और लोगों की मदद के साथ शादी की रस्म निभाई जा सकती है। आप ही सोचिए, जो लोग 2-5 लाख रुपए शादी में खर्चा करते हैं, वो उसमें से थोड़े से पैसों से अगर शौचालय ही बना लें तो उसका असर आजीवन दिखाई देगा। इसमें एक बात उभर कर आती है, स्वच्छता सिर्फ रीति रिवाज में नहीं, हमारे रोज के चाल चलन में भी झलकनी चाहिए। स्वच्छता मानो रोज की एक पूजा है, और इस पूजा का मंदिर है हमारा शरीर और हमारे गांव का वातावरण। क्या ये छोटी सी पूजा हम सब मिलकर नहीं कर सकते? देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। Okay.